वेलकम टू माई अकैट्स डॉट कॉम। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है मेरी, इट हैज़ इक्वल रूट्स, तो मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरी इक्वेशन है 3x² माइनस 12x प्लस जेड माइनस 5=0। अब देखिए, मैंने नेचर ऑफ रूट्स में समझा था कि जब इक्वल रूट्स होती है, इक्वल रूट्स होने के लिए मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है, यानी b² माइनस 4ac, वो मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर इस केस में मेरी इक्वल रूट्स हैं तो b² माइनस 4ac मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, तो मेरा a हो जाएगा 3 के बराबर, b हो जाएगा माइनस 12 के बराबर और c हो जाएगा z माइनस 5 के बराबर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं मैं अपनी डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है माइनस 12, तो माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है z माइनस 5=0। ये माइनस 12 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा माइनस 12 टू z माइनस 5=0। इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 12=144। तो z माइनस 5=12 या z की वैल्यू मेरी 17। तो ये मेरा आंसर है। मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो z इज़ my 17। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। Please subscribe to our channel for more educational videos. Do like it and share it with your friends.